Say that the BHU is really a prestigious institute, and apart from that, if they study hard, then of course they'll get whatsoever they want to. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनीश जायसवाल, स्पीक आउट में आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में है और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोफेसर से बात की, यहाँ के फैकल्टीज से बात की, और इसी क्रम में अब हम लोग यहाँ के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, यहाँ के छात्रों से मिल रहे हैं, और आइए जानते हैं कि यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है और इन छात्रों का अनुभव कैसा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज कला संकाय के छात्र कुछ मौजूद हैं, स्नातक के, परास्नातक के, और साथ ही साथ शोध छात्र भी कुछ यहाँ पे हैं जो यहाँ से PhD कर रहे हैं। उन सबसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में। तो हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ के मौजूद हैं। आप सभी लोग कला संकाय से हैं? हाँ, जी जी। अच्छा, किस विषय से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हिंदी ऑनर्स। हमारा अंग्रेजी स्नातक। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है। शुभम कुमार गुप्ता। हाँ शुभम, आप यहाँ पर कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। BA फर्स्ट ईयर। हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ करके आपको कैसा लगता है? सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पढ़ करके बहुत गौरवपूर्ण महसूस होता है। मैं भाग्यशाली समझता हूँ खुद को। कुछ ऐसी बातें बताइए यहाँ के बारे में जो लोगों को जाननी चाहिए, काशी के बारे में, इस विश्वविद्यालय के बारे में। एक क्या मुझे लगता है कि यहाँ की जो माहौल है पढ़ने के लिए वो सबसे अच्छी है। एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो खासियत होनी चाहिए और वहाँ मिलने वाली सुविधाएं जो होनी चाहिए, लाइब्रेरी से लेकर के आप यहाँ खेलने कूदने की या हॉस्टल्स की, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे, आई थिंक आप यहाँ से रख के आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आदर्श कुमार पांडे है। मेरा भी एडमिशन इसी साल हुआ है। मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स का विद्यार्थी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने कहा है जी, बट जब आप बिहार में जाएंगे, आप जब ज़मीनी स्तर से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिहार की सबसे नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसको भी B++ का ग्रेड एक्रेडिट किया गया है। कुछ महीने पहले NAC की रिपोर्ट आई थी। तो स्थिति बहुत ही बुरी है बिहार में यूनिवर्सिटीज़ की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के माहौल की अगर बात करें तो सबसे जो ज़रूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए, शिक्षक का होना। हाँ, हमारे बिहार में कई बार क्या होता है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ मिली वो नियमित रूप से, नियमित अंतराल पे क्लासेस का चलना था, और शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो एक रिश्ता था, दोस्ती का, मित्रता का, जो भी परेशानियाँ आती हैं शिक्षक गण बहुत प्यार से हमें समझाते हैं। मेरा नाम पूजा यादव है। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीकआउट में। कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें आगे चाहिए होता है तो उसके लिए करने, मतलब हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है किस तरीके से जैसे PG में आए हम लोग और किस तरीके से क्लासेस यहाँ, एक तो इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत है कि क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू और बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं। तो उस तरीके से पढ़ाई का जो होता है ना कि एक आपका माइंड डेवलप हो अच्छे से, और आपके व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ पे कुछ सेमिनार्स वगैरह, संगोष्ठियाँ वगैरह कराई जाती हैं, जहाँ आप अपनी बातें रखते हो, कविता जो इंटरेस्ट लेता है तो वो पढ़ता है, करता है, फिर आगे आपका PG कंप्लीट होता है उसके बाद लगा रहता है। यहाँ तो मतलब BHU एक प्रकार से ऐसे बजाने रहता है कि आप PG में हो और आप नेट JRF की तैयारी करने लगते हो, और यहाँ पे बहुत से बच्चे PG में ही रहते हैं, नेट JRF क्वालिफाइड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चे एक बार यहाँ पे प्रवेश ले लेते हैं उनको इस कैंपस को छोड़ने का मन नहीं करता है, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो अपनापन लगता है, और जैसे हम लोग बनारस के आस पास के क्षेत्र के हैं तो और भी अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ रहो, अपने जैसा लगता है, घर जैसा लगता है। हमारे साथ दो स्पेशल स्टूडेंट्स भी हैं, क्या अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम प्रियंका कुमार है। प्रियंका, आपका कौन सा वर्ष है यहाँ पर? ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर जी। आप BA कर रही हैं जी? किस विषय में? हिंदी से, हिंदी मेरा ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स BA कर रही हैं।
तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ा करके? क्योंकि यहाँ पे क्लासे रेगुलर चलती है और पढ़ाई बहुत अच्छे से। मेरा नाम नीलू है जी। यहाँ के कैंपस का माहौल बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं यहाँ BHU में आके पढ़ूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ सुना कि BHU में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, और मेरा और मेरे पापा दोनों का सपना था कि मैं यहाँ पढ़ूँ। मैं यहाँ आने का उद्देश्य था, मतलब दूसरे भी यूनिवर्सिटीज हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक आने का ही मैंने उद्देश्य यह था कि मतलब एक 12-12 तक तो हम लोग को रेगुलरली चला क्लास, फिर एक और शायद यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता कि मतलब एक क्लास में एक नियमित क्लास आना, फिर एक अटेंडेंस होना, फिर उस अच्छे से पढ़ाना, और फिर मतलब इसीलिए। और आप तो जानते हैं कैपिटल ऑफ नॉलेज तो है ही है। फिर और देखिए, मैं औरों से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, बीटेक छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा, आपने बीटेक छोड़ दिया है? लखनऊ विश्वविद्यालय में बीटेक कर रहा था, CS ब्रांच से। 2017 में मैंने इंटर पास किया था। IIT की तैयारी भी कर चुका हूँ कानपुर में। 2 बार JEE मेंस भी क्वालिफाइड हूँ। फिर भी ये सब चीज़ें छोड़ के जो है मैं हिंदी साहित्य पढ़ने आया। क्यों पढ़ने आया? क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य में रुचि थी, कविता वगैरह मैं लिखता हूँ। सबसे बड़ी बात आपने कही कि अपने इंटरेस्ट यानी कि रुचि को पहचानिए और उसके अनुरूप करियर बनाइए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह कोई पछतावा ना रहे, अपने काम से आप खुश रह सकें। मेरा नाम नंगसल है, नंगसल डोलमा लामा। आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, ओके। दार्जिलिंग से यहाँ पर आप यहाँ पे आई हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कृपया आप प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा और कौन से विषय की आप पढ़ाई कर रही हैं? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स एक्चुअली। मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जापानीज एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म है, अपार्ट फ्रॉम दैट। एंड व्हेन आई केम टू BHU इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक टीचर्स हियर वर फ्रेंडली, एंड इवन यहाँ पे जैसे लाइक इतने अच्छे से जो भी फैसिलिटीज थी, आई फेल्ट कि इट वाज गुड। एंड आई हैव आल्सो गॉट अ हॉस्टल, तो फिर हॉस्टल इज आल्सो गुड। ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। वन स्पेशल थिंग व्हिच वुड यू लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स अबाउट BHU? Like the best thing which I felt about BHU was it was like it doesn't has ragging sort of thing. That is the best thing that I like. Yeah, that's like true. After that's, coming that's to really BHU, yes. Like when I came to know that there are like anti ragging squads and all that sort of thing. Even there were few people who came to a hostel and they just taught us many things and told as well. So we were quite happy to know that generally हम लोग को ये बोल के डराया जाता है कि college में आओगे तो ये होगा वो होगा, but BHU is free of all the like all those things. Okay. Ragging free campus है BHU, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यहाँ पर रैगिंग बिल्कुल नहीं होती। और सीनियर्स का सपोर्ट कैसा रहा आपको? आप एक न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पर, तो आपको कैसा लगा सीनियर्स का व्यवहार और यहाँ के टीचर्स का जो आपका अनुभव रहा अभी तक का, वो कैसा रहा? टीचर्स वर वेरी फ्रेंडली, अपार्ट फ्रॉम दैट सीनियर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। जो भी मेरे हॉस्टल में लाइक सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत गाइड किया। दे जस्ट केम टू माई रूम एंड लाइक खुद से इंटरेक्ट किया। दे जस्ट टोल्ड कि कैसा है, हाउ यू नीड टू जस्ट कोप अप विद द थिंग्स एंड क्लासेस कैसे करके कंडक्ट होंगी। दोस्त लोग और यहाँ का कल्चर। कितने दोस्त बनाए आपने अभी तक यहाँ पर? यहाँ आके मेरा मुस्लिम भी दोस्त बन गया था और बना है, और सब मुस्लिम का भी मुझे कल्चर जानने का मौका मिला। और वो सब क्या कहते फॉरनर्स भी हैं यहाँ पर? जी, फॉरनर्स भी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ प्रोफेशन और जॉब ओरिएंटेड कोर्सों को करने से बेटर है कि हम अपने रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें, तो आगे चल कर की संभावनाएँ अपने आप खुलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।